भाजपा प्रत्याशी विश्वास सारंग के घर घर जनसंपर्क का पहला फेज खत्म। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पहले फेज में सारंग ने नरेला के पूरे वार्डों में किया जनसंपर्क। आज विश्वास सारंग का वार्ड क्रमांक 79 में है घर घर जनसंपर्क। एक फेज में पूरे 17 वार्डों में जनसंपर्क हो चुका है। सारंग: नरेला के सभी 17 वार्डों में हमने जनसंपर्क किया है। भाजपा को जनता का अपार स्नेह और समर्थन मिल रहा है। पूरे नरेला परिवार एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। नरेला में और ज्यादा विकास व जनता के कल्याण के लिए पूरा नरेला परिवार चुनाव लड़ रहा है। ये चुनाव केवल विश्वास सारंग का नहीं बल्कि नरेला परिवार के हर भाई बहन का चुनाव है। भगवान वाल्मीकि जयंती पर विश्वास कैलाश सारंग का बयान। नरेला विधानसभा के विभिन्न वार्डो में पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। भगवान वाल्मीकि जी हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। भगवान वाल्मीकि जी ने संपूर्ण समाज को संदेश दिया है। आज हमने संकल्प लिया कि इस देश में हम मिलकर सुव्यवस्था स्थापित करेंगे। हमने संकल्प लिया कि भगवान वाल्मीकि के बताए रास्ते पर चलेंगे। हमारे जनसंपर्क के प्रथम चरण का ये विश्राम का दिन है क्योंकि पूरे वार्ड हमारे एक फेज में हो गए हैं। सभी 17 वार्डों में हमने जनसंपर्क किया है। जनता का अपार स्नेह और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ये नरेला परिवार चुनाव लड़ रहा है। ये नरेला परिवार नरेला में और विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। ये चुनाव विश्वास सारंग का चुनाव नहीं बल्कि ये नरेला परिवार के हर भाई हर बहन का चुनाव है और मुझे जबरदस्त। आज भगवान वाल्मीकि जयंती पर नरेला विधानसभा के विभिन्न वार्डों में पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। भगवान वाल्मीकि हम सब के वो प्रेरणा स्रोत हैं जिन्होंने संपूर्ण समाज को संदेश दिया। उनकी जयंती आज हमने संकल्प के साथ मनाई कि इस देश में हम सब मिलकर सुव्यवस्था स्थापित करेंगे और वाल्मीकि भगवान के बताए मार्ग पर चलेंगे। द खबरदार से आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।